और जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ बहुत तादाद के अंदर आप देख रहे हैं कि रेला का रेला, स्टूडेंटों का रेला यहाँ आ रहा है इनको समर्थन देने के लिए। जो ये आज जो समर्थन दे रहे हैं कि आगे के लिए हो सकता है और स्टूडेंटों के लिए फ़ायदा हो, जो SSC के अंदर जो धांधलेबाजी चल रही है उसको रोकने के लिए बहुत तादाद के अंदर यहाँ स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और CBI जाँच करा रहे हैं। और यहाँ इतनी विडम्बना की बात है, जो यहाँ जो स्टूडेंट हैं, जो छात्राएँ हैं, उनके लिए इन्होंने वाशरूम तक का बंद करा दिया। इंसानियत की एक गैरत होती है कि इस तरीके का जो यहाँ धरना प्रदर्शन करने, जो सुविधा इन्हें करनी चाहिए वो सुविधा नहीं कर रहे। हमारे बीच में एक स्टूडेंट हो रहे हैं, आपका नाम क्या है? अक्षय। अच्छा जी, आप लोग ये क्या मांग करना चाह रहे हैं, CBI से क्या मांगे हैं आप? सर, जांच के लिए मैं सीधा फोकस करवाना चाहूँगा यहाँ पर। यह सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग बेंच के आदेनी SSC द्वारा गत वर्ष कराई गई सभी परीक्षा एवं संपूर्ण कार्य प्रणाली की CBI से निष्पक्ष सीमित समय में जांच हो। जांच पूरी होने तक SSC द्वारा कराई जाने वाली सभी परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस तरीके से इन्होंने एक अपनी बनियान पोर्डिंग एक पोस्टर लगा रखा है, और जानकारी देते हैं। अच्छा जी, मतलब क्या मांगे हैं और किस तरीके से, मतलब ये SSC आपको लगता है कि चोर है? सर, इसका रीज़न मैं आपको दोनों डिमांड के एक डिमांड के बारे में बता देता हूँ। पहली जो डिमांड है, एक्चुअली हम लोगों ने 17 से 21 का जो पेपर दिया CGL का, उसमें हम लोगों को पेन भी ले जाना अलाउड नहीं रहता है। पेन भी ले जाना अलाउड नहीं है? पेन भी वो देते हैं, शूज़ पहन के जाओगे तो शूज़ खुलवा देते हैं जी, शर्ट पहन के जाओगे तो शर्ट अगर पूरी बाजू की तो एक बार खुलवा के देखेंगे। उसके अंदर से फ़ोटोज़ बाहर आई हैं, मोबाइल द्वारा खींची गई। आप कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास रखी हुई है। आपको दिखानी होगी। ये आपको जो दिखाने जा रहे हैं, जो ये SSC के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको मोबाइल से फोटो आपको दिखाना चाह रहे हैं, और कैमरे के माध्यम से इनके पास में जो एक चीज़ है कि आज सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से है कि जहाँ सभी कोई बात होती है एकदम वायरल हो जाता है। ये आप ये देख रहे हैं, बोलते रहिए। हम लोगों को पेन भी ले जाना अलाउड नहीं, और ये फोटोज पेपर के अंदर से बाहर आई हैं। इस लड़के के प्री में 152 मार्क्स हैं। 152? हाँ, और 152 मार्क्स हैं 200 में से, और 152 अच्छे मार्क्स हैं। और ये देखिए सर, रखो, और ये देखिए सर, मेंस में इसने 13 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ऐसा हो सकता है क्या? 13 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और प्री में इसके 152 है, ये मेंस का है। ठीक है सर, और इसके बाद जब हम लोगों ने ये एलिगेशन लगाए कि ये चीटिंग हो रही है, तो हमसे कहा गया कि ये मेल प्रैक्टिस है, मेल प्रैक्टिस है। ठीक है सर, चीटिंग मतलब फर्जी है ये सब। उसके बाद हम लोगों ने मान लिया कि चलिए मेल प्रैक्टिसेस थी। 24th को नया नोटिस निकल के आया कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हम लोग आपका एग्ज़ाम दोबारा कराएंगे। 23rd को मना कर दिया, फर्जी है तो नहीं कराएंगे। 24th को एक रेगुलर आया जिसमें बोला गया कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसे सिर्फ 21st का हम लोग एग्ज़ाम दोबारा 9 तारीख को करवाएंगे, वो भी मान लिया। फिर सडनली कल जो है, जिस लड़के की ये फोटोज़ बाहर आई हैं, कहा गया कि उसको डीबार कर दिया गया है। अगर आप कहेंगे तो उसकी फ़ोटोज़ में दिखा देता हूँ, डीबार नोटिस आ गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर वो फ़ोटोज़ फर्जी थी तो उसको डीबार क्यों किया गया है? 7 साल के लिए वो डीबार कर दिया गया है। 7 साल के लिए? हाँ, उसकी क्या गलती है? वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, ये गलती उसकी गलती थी ना, ये चीटिंग कर रहा था वो। चीटिंग? तो आपने कहा कि वो फोटोशॉप है, मतलब चीटिंग नहीं कर रहा था। हाँ, यही बात हुई ना जी। तो उसको डीबार क्यों किया गया, यही तो हम पूछ रहे हैं, इसका लॉजिक बता दीजिए। इसका मतलब क्लियर होगा कि वो चीटिंग हुई थी। ठीक है सर, ये होगी पहली डिमांड। उसके बाद दूसरी डिमांड, एक ही लड़के के परसों 4 तारीख को जो पेपर लगा है उसके 10 एडमिट कार्ड बाहर आए हैं, 10 एक लड़के के। अब लेके आना बैग में से, उसमें अगर आप गौर करेंगे ना, अगर एक बार को बोला जाए कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसमें अगर आप गौर करेंगे ना, सेंटर हर बार सेम है, डेट हर बार सेम है, सेंटर उसका हर बार सेम है। सेंटर हर बार उसका सेम है। ये संदीप नाम का जो स्टूडेंट है, इसका सेंटर अलग अलग दिखाया जा रहा है, फोटो एक ही है, फोटो सेम दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। ये SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया, कहीं फर्जी नहीं है। इसका रोल नंबर आप देखेंगे तो सारे आसपास हैं, 4238 4249 4261 4241, ये
दस है, मैं आपको चार ही दिखा रहा हूँ। और डेट देखिए, डेट पर गौर करिए, सेम डेट, सेम डे एग्जाम है, सेम शिफ्ट है हर बार। ठीक है सर, एड्रेस पे आप गौर करेंगे तो हर बार सिर्फ हाउस नंबर 6 में चेंज है, बाकी सब सेम है। हाउस नंबर 69 एड्रेस सेम, हाउस नंबर 87 एड्रेस सेम, हाउस नंबर 36 एड्रेस सेम। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इतना सब मैच तो कर नहीं सकता। तो दूसरी डिमांड हमारी ये है कि इसका मतलब ये अभी भी हो रहा है तो हमें स्टे चाहिए यार पेपर, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है एसएससी के ऊपर। तो आप मांगे क्या चाहते हैं आपके, मतलब ये दो मांगे सर, जो ये आपकी जो मांगे हैं, जो आला अधिकारी या जो मतलब यहाँ पर जो और पार्टियों के नेता आते हैं, अभी वो मनोज तिवारी जी आए थे, वो कह रहे थे कि हम सीबीआई जांच के लिए आदेश करें, सत्ता में रहते हुए भी कह रहे हम स्टूडेंट का समर्थन कर रहे हैं, वो वहाँ पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? सर अगर हमारा समर्थन करते ना तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नहीं बताते। उनसे मेरा एक बेसिक सा सवाल है, आपके पास जैसे हमसे आप एविडेंस मांग रहे हैं, मैं आपसे एविडेंस मांग रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि मैं कौन से, अगर कांग्रेस से हूँ तो कांग्रेस से दिखा दीजिए, और आम आदमी पार्टी से तो आम आदमी पार्टी से दिखा दो, या बड़े आदमी हो तो आपने कह दिया सब सच मान लेंगे, इसका जवाब दे दो बस। आप तो स्टूडेंट हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि जांच बैठा दी है तो उसको रिटर्न में दे दो, हम लोग चले जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ ने भी बोला कि हम सीबीआई जांच करा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जानबूझ के बैठे हैं। सर बोलने से अगर होता तो लोकपाल 2011 का लागू हो गया होता, सिर्फ बोलने पर बाबा रामदेव उठ के चले गए, इसलिए आज तक इस देश में लोकपाल लागू नहीं हो पाया है।